फ्रेंड्स, टुडे वी विल नो हाउ टू फाइंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल स्क्वायर एंड ट्राइंगल. ओके, फर्स्ट सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज पेरीमीटर. पेरीमीटर क्या होता है? लेंथ ऑफ बाउंड्री. जो हमारा एक हमारा यहाँ पे किसकी फिगर दिख रही है आपको, यहाँ पे एक रेक्टेंगल की दिख रही है. ठीक है, तो हमारी जो लेंथ ऑफ बाउंड्री मेरे बाहर का पार्ट है हमारा, आउटर पार्ट. ठीक है, तो वो हमारा पेरीमीटर हो गया. हमने लास्ट वीडियो में जाना था व्हाट इज एरिया. क्या था एरिया? एरिया इनर पार्ट था. ठीक है, और हमारा पेरीमीटर आउटर पार्ट होगा. ओके, इसके लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है. ठीक है, लेंथ प्लस ब्रेथ. ब्रेथ मीन्स विड्थ भी बोलते हैं. ब्रेथ और विड्थ सेम होता है. ओके, तो लेंथ प्लस ब्रेथ. तो हम कैसे करेंगे? तो इसको टू टाइम्स है. ये हमारा इसके इक्वल है, ये हमारा इसके इक्वल है. तो हम ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए. ठीक है, इन सबको हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? पेरीमीटर आ गया. तो हमारा फॉर्मूला हम ऐसे भी लिख सकते हैं और टू टाइप से लिख सकते हैं. ओके, टू हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई लेंथ प्लस विड्थ. ओके, तो हमारा सेम फॉर्मूला है ये. ठीक है, आंसर हमारा सेम आएगा. अब हमें निकालना है. ठीक है, हमें विड्थ हमें निकालनी है. ठीक है, ये पार्ट हमें निकालना है. हमें पेरीमीटर दिया है और हमें लेंथ दी है. तो इसका फॉर्मूला है पेरीमीटर डिवाइडेड बाय टू माइनस लेंथ. ओके, हमारा आ जाएगी विड्थ. अब हमें निकालनी है लेंथ, हमें निकालनी है. तो पेरीमीटर डिवाइडेड बाय टू माइनस विड्थ. ठीक है, तो हमारा आ जाएगा लेंथ. नाउ नेक्स्ट अप हम आता है स्क्वायर. ठीक है, हम सभी जानते हैं कि स्क्वायर क्या होता है. ठीक है, वी ऑल नो दैट ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर ऑफ इक्वल लेंथ. ठीक है, तो इसका हमारा क्या होता है? फोर मल्टीप्लाई साइड. तो हमारा आ जाएगा क्या? आ जाएगा हमारा पेरीमीटर आ जाएगा. ठीक है, अब हमें निकालनी है साइड. तो हमारा क्या आता है? पेरीमीटर डिवाइडेड बाय फोर. तो हमारी एक साइड निकल जाएगी. ओके, और नाउ नेक्स्ट हमारा आता है ट्राइंगल. दिस इज अ फिगर ऑफ ट्राइंगल. ठीक है, हम जानते हैं एक ट्राइंगल इज अ सिंपल क्लोज फिगर बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट. ओके, तो इसका हम पेरीमीटर निकालना है. तो कैसे होगा? इसका फार्मूला है सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स. ठीक है, इन सबका सम बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी. ओके, नाउ एक्सरसाइज 23.2. ठीक है, हमें क्या करना है? हमें निकालना है. फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल. रेक्टेंगल का हमें क्या निकालना है? पेरीमीटर. हमें लेंथ दिया है एंड ब्रेथ दिया है. तो हमारा फार्मूला है 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी. तो 2 मल्टीप्लाई एल हमारा है 17 प्लस ब्रेथ हमारा हो गया 11. ठीक है, तो अब हमारा अब हम इनको करेंगे, दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 28. ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 28 तो हमारा क्या आएगा? आंसर आ जाएगा हमारा 56 सेंटीमीटर. ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सेकंड, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर. हमें पेरीमीटर जानना है. ठीक है, स्क्वायर का हमें पता है फार्मूला 4 मल्टीप्लाई साइड. हमें साइड दी है. ठीक है, 16 है 4 मल्टीप्लाई साइड. तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा जब हम इसको करेंगे? तो हमारा आ जाएगा 64 सेंटीमीटर. ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा आ जाता है फाइंड द साइड एंड एरिया ऑफ ए स्क्वायर. हमें साइड भी निकालनी है और हमें एरिया भी निकालना है. ओके, हमें दिया है पेरीमीटर. तो हमें साइड कैसे निकालनी है? पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4. तो हमारा पेरीमीटर है 20. ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 तो हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5. ठीक है, तो हमारा आ गया 5. ठीक है, 5 हमारा आ गया सेंटीमीटर. अब हमारा आता है एरिया हमने निकालना है. ठीक है, अब हमारा साइड हमें पता चल गई. तो एरिया हम कैसे निकालेंगे? साइड डिवाइडेड बाय साइड. तो 5 सेंटीमीटर. ठीक है, 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर. तो हम अब हमारा आ गया 25 स्क्वायर सेंटीमीटर. I hope you all have understood.